दोस्तों वेलकम टू द वन मोर एक्साइटिंग वीडियो। एंड आज अपन जो है, देखो दोस्तों, मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को, मैं जो है बोर्ड से एग्जाम में बिजी था एंड फाइनली अब जो है मैं फ्री हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। सो अब जो है आपसे रेगुलर वीडियोस भी आएगी। तो आज की वीडियो में अपन जो है अपने सेटअप को एनहांस करने वाले हैं, अपन और भी चीजें अपग्रेड, मैंने एक अपग्रेड भी लिया है, जस्ट अभी परचेज किया है। एंड एक और चीज, ये जस्ट अभी मैं परचेज करके एकदम कड़कती रूप में जगह, एंड ये जो है इसे अपन साफ सफाई करेंगे। अपना कीबोर्ड जो है बहुत ज्यादा गंदा है, सो अपन उसको देखो कैसे साफ करते हैं, वो भी तुम देख लोगे आज। सो मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत हार्ड होता है, तो लेट्स सी आज अपन पूरा सेटअप करते हैं, चीजें चेंजेस करने वाला हूं मैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो वी आर फाइनली हियर। जैन, जैसा कि तुम देख सकते हो, तुम्हें ऐसे देख के तो लग रहा होगा हाँ भाई बहुत है, एकदम बढ़िया सा सेटअप हो रखा है, सब कुछ है ना, पर अगर क्लोजर लुक लो ना तो देखो भाई तुम कितना ज्यादा इसके गंदा हो रखा है, ये सब कुछ कितना ज्यादा गंदा हो रखा है। एंड ये तुम देख सकते हो, कुछ भी चीजें कहीं पे भी पड़ी हुई है। सो अपन को बहुत सारी चीज चेंजेस करने हैं, एंड एक सरप्राइज जो है वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, तो वो एक एनहांस करेगा इस सेटअप को बहुत ही बढ़िया। सो अपन जो है पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। मैंने सारी चीजें निकाली है, एंड यहाँ पे अपने पास कीबोर्ड है। एंड इसकी देखो, मैं किट भी ढूंढने गया था जब मैं ये लेने गया था, ये जो है ये बढ़िया सा कोई तो प्रोडक्ट है जिससे बहुत तगड़ी तरीके से क्लीन होती है एक बढ़िया प्रेशर के साथ। सो ये तो बढ़िया चीज है ही, बट मैं इसका जो है अपने कीज को जो है ना ऐसे निकालना पड़ेगा अपन को से पिंच करके, क्योंकि ऐसे मैं नहीं निकाल सकता। मेरे पास जो किट है वो मेरे को मिली नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, एंड अमेजोन से ऑर्डर करने में दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। सो अपन अपने हाथों का प्रयोग करेंगे बढ़िया, एंड यही ज्यादा बेटर है क्योंकि अपन बहुत अच्छे से कर भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बस एक क्लिप्स ही होती है, सो वो भी ज्यादा बेटर रहता है, बट अपन ऐसे भी कर लेंगे। तो मैं सारे जो है ये जल्दी जल्दी से निकाल देता हूँ। ये देखो, कुछ तो बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि इतने ज्यादा निकालता नहीं हूँ मैं कभी, एंड ज्यादा क्लीन भी नहीं करता। तो ये देखो, फ्लैश लाइट से तुम्हें पता चलेगा इसमें कितनी ज्यादा गंदा है। मैं ये देखो भाई साहब, ये इतना ज्यादा गंदा लग रहा है कि पता ही नहीं क्या क्या ऐसे लग रहा है, कितनी ज्यादा धूल गई है इसमें। ओके, सो जी यहाँ पे देखो बहुत सारी धूल हो रखी है क्योंकि ये जो है बहुत टाइम से यूज में भी नहीं था, एंड मैं क्लीन भी नहीं कर पाता था, डीप क्लीन नहीं हो पाता था। तो अपने पास आज ये है, तो अपन इसे बढ़िया क्लीन कर लेंगे। तो जल्दी से मैं सारी चीजें जो है निकाल देता हूँ। देखो तुम देख सकते हो कितना ज्यादा गंदा भाई, छीछी हो रखा है एकदम ये। सो अपन इसे बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे अभी। सो मैं जल्दी से सारी चीज निकाल लेता हूँ। यू नो दिस सक्सेस, बट यू डोंट नो दिस स्ट्रगल बिहाइंड दिस। इतनी ज्यादा मेहनत लगी मेरे, देखो ये उंगली देखो, ये देखो, ऐसे तो कैसे बताऊं मैं, बट हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम आ गई है। मैं चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों उसको निकालने के लिए। ये देखो ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे ही निकाल रहा हूँ मैं, ये अब थोड़ा इजी हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ तो ऐसे नहीं निकलती, उन्हें हाथों से भी थोड़ी बहुत हेल्प देनी पड़ती है, और कुछ कुछ अब देखो जैसे अभी ऐसे टूटने का भी डर है थोड़ा, बट अब क्या करें, तुम गंदगी देख सकते हो, इसे साफ करना ही था आज ना कल, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाइनली वी आर डन विद दिस। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने सारी कीज निकाल दी, एंड ये सारी इधर ही है, एंड कुछ कुछ तो इधर उधर गिरी भी थी, बट मैंने सारी कलेक्ट कर ली है, एंड अब अपन को इसे क्लीन करना है। सो ये है बेस्ट पार्ट, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको करने में लिटरली। सो अब अपन जो है इसे बढ़िया सी जगह रखते हैं। सो मेरा डेस्क तुमने देखा था, जैसे कि मैंने पहला जो पीसी क्लीन वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने इधर ही रखा था, तो इधर ही रखते हैं अपन। देखो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं फालतू फालतू, एक बार मैं इसे इधर रखता हूँ। फाइनली मैंने इसे इधर प्लेस कर दिया है, एंड अपनी सारी कीज उधर है, एंड तुम सोचोगे कि ये कीज मेरे को क्या याद है, मैं कैसे लगाऊंगा। सो ऑब्वियसली मैंने इसकी फोटो वगैरह भी नहीं ली, मैं भूल गया, तो मैं जो है वेबसाइट से जो ये इस कीबोर्ड का सर्च करके फॉलो करके लगा दूंगा, वो तो कोई पंगे की बात नहीं है। तो अब अपन को इसे क्लीन करना है, जो कि ज़्यादा पंगे वाली बात है क्योंकि देख सकते हो तुम कितना ज़्यादा गंदा है ये। एंड ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम क्लीन कर रहा हूँ मैं जब से पीसी लाऊँ, मैं पहले भी क्लीन कर चुका हूँ इसे, बट पता नहीं यार इतना ज़्यादा कैसे गंदा हो गया। कुछ दिन इसे जो है इसे अपने पेन मुलायम से हाथ से छुआ नहीं, सो ये बुरा मान गया। सो अब अपन जो है इसे बढ़िया तरीके से साफ करती है। ये पता नहीं क्या है, ये बादाम वादाम है क्या गिर गया ये। एंड ये जो तुम देख रहे हो ना, ये च्युइंगम विंगम नहीं है दोस्तों, ये तभी गंदा मत समझो मुझे। ये जो है ये मैं क्ले से साफ करने की कोशिश कर रहा था इसे, सो क्ले ही अंदर अटक गई, एंड क्ले भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो बहुत खुराफाती दिमाग है मेरा, बट हुआ नहीं उससे कुछ। सो अब अपनी वीडियो का सेकंड हीरो, या सेकंड हीरो कहूँगा, पहला हीरो जो है वो मैं तुम्हें बाद में दिखाने वाला हूँ जो कि सरप्राइज है, बट अभी जो है ये इसे अपन जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इस ढक्कन को खोला जाए दोस्तों, देखो कैमरामैन की जरूरत है। ओके, सो अपन जो है यहाँ पे इसे रखते हैं, इसे खोलते हैं। ओके, तुमने देखा नहीं क्या हुआ। सो ये जो है इसमें अपन लगाएंगे, तो फाइनली अपने हथियार तैयार है। यस, एंड ये जो है बहुत ज़्यादा अलग सा ऐसे हथियार से ही लग रहा है यार, लग रहा है आग वाग निकलेगी, फ्लेम निकलेगी इसमें से, बट ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अब अपन इसे क्लीन करने वाले हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में निकलता है, तो इसका ज़रूर से ध्यान रखना होगा। भले ही ये जो है ये कोई वैसा नहीं है कि तुम सोचो ये अपन को वैसे क्या कहते हैं एयर प्रेशर से क्लीन करेगा, ये वैसा भी नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि तुम देख सकते हो अपने जो है कीज तो है, ये तो देखो बहुत हद तक क्लीन कर दी, जैसे कि तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा साफ सुथरा भी लग रहा है, एंड अभी इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़ा मोड़ा जो रह गया वो भी कर देंगे अपन। एंड इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे देखो मैं स्प्रे करता हूँ, सो ये देखो ये अंदर बहुत ज़्यादा इसके चल जाता होगा आई थिंक। सो ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट फिर भी इसके ऊपर मैं है ना इसे बंद करने से पहले एक बार हेयर ड्रायर करूँगा, एक वार्म वाली इसको जो है अपन थेरेपी देंगे बढ़िया, जिससे ये सही रहे। एंड अब तुम बात करोगे कि कीज़ का क्या भाई, कीज़ तो बहुत ज़्यादा गंदी है तेरी, एंड उसको कैसे साफ करेगा, एंड एक एक की को कैसे पकड़ के साफ करेगा,
ये देखो अब इसको क्या मैं ऐसे कैसे साफ करूँगा, वो भी इतनी सारी है। सो इसके पास मेरा एक सोल्यूशन है। सो अपन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाले हैं, तुम भी देखो बोले क्या ही आदमी है ये। सो लेट्स गो। सो मैंने अपनी पोटली जो है भर ली है, इसके अंदर सारे कीबोर्ड, इसके अंदर सारी कीज ही है। यही जो है ये कहाँ टूटा परिंदा हो रहा, रुको। सो अब अपन जो है चलते हैं एंड में तुम्हें दिखाता हूँ मैं इसका क्या करने वाला हूँ। गेट खोले जाए, मैं वीडियो पूरा अंधेरा हो रखा है दोस्तों, कोई नहीं है घर पे। एंड मैं जो है इसे पर चालू करता हूँ लाइट को, लाइट ऑन करते हैं। चलो लाइट ऑन हो गई है, ये देखो ये वो गेमिंग लैपटॉप। ओके सो यहाँ पे है बस वही सीन, एंड यहाँ पे अपन जो है वही एकदम ले लूँगा एस्थेटिक वाली फ़ोटो ले लूँगा बढ़िया सी। तो अपन जो है अब करने क्या वाले हैं, अपन इन सबको इसके अंदर गिराने वाले हैं। ये देखो ये सारे इसके अंदर आ चुके हैं। ऑब्वियसली कीज अंदर नहीं जाने वाली क्योंकि इसका चेंज जो है बहुत ही ज़्यादा छूटे है। ये देखो कितना ज़्यादा, ये देखो तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं। सो अपन इसे चलाते हैं एंड सबको धो देते हैं पकड़ के। सेटिस्फाइंग सी आवाज़ तो सुनो दोस्तों, इसको मैं माइक को थोड़ा नज़दीक लाता हूँ, ये सुनो। तो दोस्तों फाइनली वी आर डन विद दिस। जैसे कि तुम देख सकते हो अपने सारी कीज़ जो है धो दी है, एंड इसको मैं जो है ऐसे पानी में गीला गीला थोड़ी डाल दूंगा, इसे बढ़िया तरीके से अपन क्लीन करके अच्छे से पोछ पाछ के ये जो है ये जो तुम्हें दिख रहा है इसी से अपन जो है क्लीन करके इस पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। एंड उसके लिए मेरे को अपनी लैपटॉप की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि इससे तो रिकॉर्ड हो रहा है एंड मेरे को पता थोड़ी है इतना एग्जैक्टली कौन सी कीज़ कहाँ है। सो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो हो ही जाती है दोस्तों, चाहे कितने ही प्रो हो। तो फाइनली ये रहा मेरा सुनहरा कीबोर्ड जिसे मैं अच्छे से देख के इसमें लगा दूंगा एंड सारी चीज़ें लगा दूंगा अच्छे से। यार कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये ऐसे। सो अपन जो है इस पर लगाते हैं, देखो जो भी मेरे हाथ में आएगा उसे मैं अच्छे से क्लीन करके इस पर अप्लाई कर दूंगा। सो ये एक बड़ा टास्क है तो मैं इसे जल्दी से करता हूँ। एंड में जो वो सरप्राइज भी दिखाना है वो भी अपन जो है चेकआउट करने वाले हैं। ओके सो दोस्तों फाइनली वी आर डन विद दिस एकदम बढ़िया तरीके से। एंड एक और चीज़ देखनी है कि ये काम तो प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें पानी जो है वो जो भी केमिकल है वो बहुत ज़्यादा गया, बट फिर भी ये जो है थोड़ा बहुत काम तो बढ़िया करेगा ही। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, सूख जाता है वो एंड इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो अपन अब सब चीज़ को सेटअप करने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई है। सो लेट्स गो एंड इसे तो अब बंद ही कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है भाई, इसको हटा दे। दोस्तों हियर यू कैन सी पूरा सेटअप हो चुका है, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने सारा क्लीन कर दिया। एंड अब मैं जो है इसे यहाँ यूज़ नहीं करूँगा, इसको अपन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, उस सेट कितना गंदा है। ओके सो अपन अब इसे ऊपर रखने वाले हैं। एंड ये रहा अपना कीबोर्ड माउस सब रख दिया अपन ने, ये जो है मेन चीज़ ये तो भाई रहनी चाहिए। एंड अपना यहाँ पे ये सब कुछ है, बट अभी भी एक कमी है जो कि पूरी होने वाली है। एंड सही में बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाला है इससे सेटअप, एक बहुत एक्स्ट्रा टच मिल जाएगा एंड थंबनेल भी अच्छे। सो ये देखो ये तो अपना आरजीबी का तड़का यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, बाकी सब कुछ रहता है, ये भी रहता है एंड इसमें भी आरजीबी है बढ़िया सी। बट ये जो है इसके लिए मेरे पास एक चीज़ थी, उसके लिए मेरे पास ये था राइट, उसके लिए ये था जिससे मैं यूज़ करता था। अब ये वो चीज़ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, अपन इसे यूज़ नहीं करेंगे, अपन लाने वाले हैं एक नया प्रोडक्ट जो कि मैंने आज ही परचेज किया है, वो है ये तुम गेस कर सकते हो, इसे तुम्हें देख के पता चल रहा होगा। इसके अंदर स्ट्रिप है एंड ये आरजीबी स्ट्रिप है, जैसे बढ़िया जो है लाइटिंग वाइटिंग तड़कता फड़कता हो जाएगा बढ़िया। एंड मैं इसे थोड़ा ऐसे या मैं ऐसे भी रख सकता हूँ इसे, वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूँगा सेटअप। देखो क्योंकि ये जो है ना इसे अपन ऐसे रखेंगे क्योंकि वायर जो है थोड़ा मिनिमलिस्टिक लगना चाहिए एंड वायर नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि इसको वायर की जरूरत पड़ेगी, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसे वायर की जरूरत है। सो अपन ऐसा सेटअप करेंगे कि पीसी ऑन होते ही ये बढ़िया तरीके से जो है चालू भी हो जाए एंड अपन को कुछ करना भी ना पड़े। देखो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने वायर निकाल रखी है एंड ये पीसी से कनेक्टेड है, ये पीसी से पावर लेके इनफ होगी, पीसी की पावर ही बहुत ज्यादा है चुका है ऑन, जैसे कि तुम देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। एक बार देखो मैं लाइट्स ऑफ करके भी तुम्हें दिखाऊंगा, बट उससे पहले अपन इसे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो अब सेटअप लग रहा है ना खतरनाक, एंड इसे मैं जैसे भी चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ, बस मुझे वायर वो छुपानी है इसलिए मैं थोड़ा ऐसा रख रखा हूँ इसे। एंड पीसी ऑन होते ये भी चालू होगा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड एक बहुत बड़ा साइज भी मिल गया मेरे को जिससे मैं बहुत ड्रैग स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अपन जो है बढ़िया बढ़िया और भी गेम्स खेलने वाले हैं शूटिंग गेम, सो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्पेस भी नहीं मिलता था, यहाँ पे कीबोर्ड आ जाता था, यहाँ पे ये आ जाता था, बट यहाँ पे अपने पास स्पेस ही स्पेस है। एंड अब लग रहा है अपना सेटअप तगड़ा। एंड इसके अंदर देखो दोस्तों ऐसे ही नहीं है, इसमें मोड्स भी अलग अलग, ऐसे अपन ऑफ भी करके रख सकते हैं, रेड चल जाएगी, ग्रीन चल जाएगी एंड अलग अलग बहुत सारी, एंड आरजीबी जो पूरी जो है सारी लाइट्स तो वो तो है ही। सो अब तुम ये देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना अब ये। एंड अपनी गेम जो है स्टार्टेड है दोस्तों, तो अपन जो है कंट्रोलर भी चालू कर लिया अपने, वो शेट मैंने जो है एडेप्टर कनेक्ट नहीं कर रखा, तो अपन ऐसे भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं अपन ऐसे भी खेल सकते हैं। ये रहा माइकल, एंड अब लग रहा है अपना सेटअप बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस चीज के कारण, तो खास करके ओके।
ओके तो दोस्तों मैंने इसे वर्टिकली ना प्लेस करके हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, भले यहाँ पे थोड़ी वायर अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी ये ऐसे जाते हुए यहाँ से भी जाते हुए, बट यहाँ पे जो है ये दोनों वायर जो है जा रही है वो भी दिखती ही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसको जो है वायर भी चेंज कर दूंगा, ब्लैक वाली बाद में अपन ले लेंगे, बट अभी के लिए ये बेटर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड तुम देख सकते हो अपने सेटअप में चार चांद लग गए हैं इसकी बदौलत, एंड बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है यार ये। एंड कीबोर्ड तो यार इतनी मेहनत की इस चीज़ पे, इस चीज़ को तो चेकआउट ही नहीं किया, ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तुम वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो कितना ज़्यादा गंदा था, एकदम गरीब वाली हालत हो रखी थी इसकी, एकदम जैसे पता ही नहीं क्या ही बदसलूकी हुई है इसके साथ, बट अभी एकदम बढ़िया है। कितना हार्ड वर्ड बोला मैंने, बदसलूकी, ओ माय गॉड। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो दोस्तों, अपन ने जो है बढ़िया सा क्लीन किया भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी यार उसमें। तो बाकी तो मैंने जो है बाकी सारी चीज़ें ईजी थी, मेरे बाल देखो कैसे हो गए, एकदम आइंस्टाइन बन गया मैं इतने ज़्यादा इसमें दिमाग लगा के। तो अपन जो है अब ये बहुत ज़्यादा मेरे को तगड़ा लग रहा है, मैं सही बताऊँ तो। सो अपन जो है और भी बहुत तगड़े तगड़े वीडियोज़ लाने वाले हैं आगे, एंड अभी अपन गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। मैं देखा थोड़ा अपन जो है जैसे हाई लो कर देते हैं, एंड बढ़िया चीज़ें भी अपना सेटअप भी और अच्छा कर लेते हैं। सो और भी अपन क्रेजी क्रेजी गेम्स लाइव आने वाला हूँ मैं, तो तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो बढ़िया बढ़िया चीज़ों के लिए। टिल देन बाय।